दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ईस्ट दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने सिख समुदाय के लोगों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग की, जहां पर सभी थानों के एसएचओ ने सिख समुदाय के गुरुद्वारे के मेंबरों को बुलाया। उन्होंने सबको यह समझाया कि अगर कोई भी व्हाट्सएप पर आपको वीडियो क्लिप या और कुछ भी फेक न्यूज आती है तो इसे आगे फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें, या तो इसे थाने के एसएचओ या फिर डीसीपी के ट्विटर हैंडल पर या एसएचओ को फॉरवर्ड किया जाए। हम उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अगर कुछ ऐसा होगा तो उन शरारती लोगों को ट्रेस करके अरेस्ट किया जाएगा। ऐसा ना हो कि जांच के बिना आप उसे आगे फॉरवर्ड करें, इससे आप भी मुश्किल में आ सकते हैं। और सभी सिख समुदाय के लोगों ने डीसीपी साहब को अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई कि कोई भी गलियों के अंदर शरारती तत्व किसी भी बात की अफवाह ना फैलाए। डीसीपी दीपक यादव ने कहा है कि मैं अपने इलाके में बिल्कुल भी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा जिससे कि समाज को नुकसान हो। दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी है। दिल्ली दस्तक के लिए ब्रजकिशोर झा के साथ रवि डालमिया की यह रिपोर्ट।